व्रत के दिनों किचन में घुसने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, पर अच्छी अच्छी फलाहारी खाना भी खाना होता है, तो क्या करें। मेरी इस वाली इंस्टेंट डोसा मिक्स की रेसिपी को आप एक बार बना लोगे तो जब भी आपका मन करेगा आप तुरंत ही ये डोसा बना के खा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अमृताज किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत वाले मसाला डोसा की रेसिपी, और इसके साथ ही आपको मसाला डोसा की आलू की स्टफिंग और नारियल की हरी वाली चटनी की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आगे भी आपके लिए ला सकूं। पहले अपनी व्रत वाले इंस्टेंट डोसा मिक्स तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें लेना है साबूदाना, मखाना और समा चावल, और हमें ज़रूरत है एक मिक्सर ग्राइंडर की। बारी बारी से पीस लेंगे। पहले मैं साबूदाना पीस रही हूँ, बिल्कुल महीन सा पाउडर बना लेना है। देखिए, साबूदाना पाउडर रेडी है। अब इसे एक बड़े से बोल में निकाल लेते हैं। अब हम मखाना पीस लेंगे और इसके पाउडर भी हम इसी बोल में निकाल के रखेंगे। फिर समा चावल की बारी, और इसके पाउडर को भी हम सेम बोल में डाल लेंगे। अब इनको एक बार आपस में मिला लेंगे और दोबारा इकट्ठा पीसेंगे ताकि डोसा मिक्स जो है वो बिल्कुल महीन बन सके। देखिए, बिल्कुल पाउडर बन चुकी है। तो इस डोसा मिक्स को एक बार बना के रख लेंगे। नवरात्रि के दिनों आपको हर बार डोसा बैटर पीस के तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपनी डोसा बैटर तैयार कर लेते हैं। जितनी क्वांटिटी की सामग्री हमने पीसा है उससे 2 कप डोसा के मिक्स बनके तैयार होती है। मैं फिलहाल इस कप से नाप के 1 कप डोसा मिक्स ले रही हूँ। उसमें हम पहले 1 कप पानी मिलाएंगे और गाढ़ा सा बैटर तैयार होगी। अब इसको थोड़ी सी टेस्टी बनाने के लिए इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक मिलाएंगे और फिर इसमें 1 कप पानी और मिलाएंगे। अब फाइनली सबको मिलाते हुए हम अपनी डोसा बैटर तैयार कर लेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम अपनी मसाला डोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू को मैश कर लेंगे और 1 चम्मच घी गरम करके उसमें डालेंगे जीरा, अदरक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे और फिर इसमें आलू मिलाएंगे। आलू में अच्छे से घी मिल जाने के बाद इसमें डालेंगे मूंगफली। हमें मूंगफली की पाउडर नहीं बनानी है, मूंगफली मुंह में आनी चाहिए, तो आपके मिक्सर ग्राइंडर में बस 1 पल्स काफ़ी होगी। और फिर इसमें मिलाएंगे काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और धनिया। बस इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और बस 2 से 3 मिनट में ही हमारा मसाला डोसा की स्टफिंग रेडी है। आप डोसा के अंदर डाल के या फिर अलग से कटोरी में सर्व कर सकते हैं। अब हम अपनी नारियल वाली हरी चटनी बना लेंगे। 2 मिनट लगेगी इसमें भी। लेंगे नारियल, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी। मैंने 1/4 कप डाली है क्योंकि मुझे गाढ़ी चटनी पसंद है। आप 1/2 कप पानी तक मिला सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ। देखिए, हमारी हरी चटनी तैयार है। इसको एक कटोरी में निकाल के रख लेंगे। इतनी देर में हमारी डोसा बैटर भी पहले से गाढ़ी हो चुकी है। देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो बस अब एक ही काम बची है, चलिए डोसा फ्राई कर लेते हैं। तवा सुपर हॉट होनी चाहिए, तब हम पानी छिड़केंगे ताकि टेम्परेचर तुरंत घट जाए। पानी बिल्कुल तवे पे ऐसी नाचती हुई चाहिए। अब एक सूखे कपड़े से तवा को पोंछ लेंगे और इस पे डोसा बैटर डालेंगे और कटोरी के पीछे से सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे स्प्रेड करेंगे हल्की हाथों से। गैस हाई फ्लेम पे होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर आप नारियल तेल या फिर घी छिड़क सकते हैं। फिर हम तवा को ऐसे हल्के से रोटेट करेंगे ताकि डोसा चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। और जैसे ही ऐसे गोल्डन स्पॉट आपको नीचे की तरफ दिखने लगे, हम डोसा को पलट देंगे और दूसरी तरफ भी थोड़ी सी सेक लेंगे। बस हमारी मज़ेदार क्रिस्पी साबूदाना डोसा तैयार है। इसको आप आलू की सब्जी और चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। व्रत के दिनों ये खाना बहुत ही फीलिंग रहती है।
हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। एंजॉय।